विशारण्य ऋषि असन कार्य प्रवच मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। भाई अपने यहाँ कितना युग होत युग चार युग सचार युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। एक कलयुग का घटना बाटे सत्यनारायण भगवान की जो कथा है। एक नैमिष ऋषि के आश्रम में उत्तराखंड साइड 88,000 ऋषि सब इकट्ठित हुए। एक ही बात बाटे का सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका बा, कलयुग का प्रारंभ होने वाला बाटे। बोले तब उपाय जाना सी कृपया कथे प्रभु कोनो पूजा कोनो पाठ कोनो व्रत कोनो तपस्या बता। बोले काहे बते कलयुग में लोग भगवान से जुड़ सके। भगवान सबके लिए समय लेकिन भगवान बोले समय के उनके पास ना रहे। तब सब 88 जैसे पूछत इनका पूछते प्रभु कोनो पूजा पाठ बताओ कैसे पूछत है नैमिष ऋषि से। तब तो वहां पर सूत जी का आगमन भ सूत जी के हो सूत जी वेद पुराण के जानकार हैं। जब जैसे वो आए सब लोग हाथ जोड़ के खड़ा हुए। बोले प्रणाम प्रभु प्रणाम। उनका ऊंचा आसन दे के बिठाया गया। बोले का चाहत है। बोले कोनो पूजा पाठ बताओ। बोले काहे बने। बोले सतयुग भी चुका त्रेता भी चुका द्वापर भी चुका कलयुग का प्रारंभ होने वाला बाटे। बोले तब उपाय कृपया कथे प्रभु कोनो पूजा कोनो पाठ कोनो व्रत कोनो तपस्या बताओ। मतलब काहे बने। मतलब जैसे संसार का कल्याण हो सके। तब भगवत कृपा से सूत जी बोले एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया। बोले भगवान की कृपा से नारद जी का आने पड़ा एक प्रश्न पूछे बने। बोले बाबू तनी उबर बैठे और आपका ध्यान तो नहीं हट गए आप जितना सब। अच्छा तो नारद जी कहा करे पूछे भगवान विष्णु से ही प्रश्न। बोले पर नारद जी घूमत सी मृत्यु लोक पे आ गए। एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ एक दिन सबके जाए के बाटे चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो चाहे कीड़ी हो चाहे माटा हो एक दिन संसार छोड़ के सबके जाए के बाटे। बोले तब नारद जी घूमत सी मृत्यु लोक पे आ गए। सब दुखी जब दुखी होता तो व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए अपने बड़ों के यहाँ अपने पूज्य के यहाँ अपने जिसकी आप पूजा अर्चना करते हो उनके पास। तो नारद जी के सबसे प्रिय कौन है नारद जी सबसे प्रिय के बाटे नारायण भगवान। उनके यहाँ जाते कैसे जाते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सर झुका कर बैठ गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है नारद जी आज आप सर झुका के बैठे। पहले जब आते थे प्रसन्न रहते थे चेहरे पे तेज चमकता था। मतलब कहूँ मत पूछो कहाँ चले गए। बोले मृत्यु लोक के जना सिर्फ नाना करे समझता। बोले मृत्यु लोक में चला गया। बोले क्या देखे। बोले सब दुखी। बोले कैसे कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कर जावे। तब क्या चाहते हो। बोले उपाय में ये जाना सी कृपया कथे प्रभु कोई पूजा कोई पाठ कोई व्रत कोई तपस्या बताइए जिससे संसार वालों कल्याण हो सके। बोले क्या देखा आपने। बोले क्या बताओ प्रभु। बोले मत पूछिए। बोले कुछ तो बताइए आपने कुछ तो देखा होगा। तो भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु को बताया क्या देखा। अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या
हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला चांदन बदला, सूरज न बदला चांदन बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भगवत कृपा से ध्यान लगाव, अपन कुल ध्यान है लगाव, 20-25 मिनट समय दे हमका, आपके जल्दी फ्री कर दे। अच्छा अच्छा सत्य भगवान की नारद जी बताएं, संसार में सब दुखी हो, लेकिन तब का चाहत है, ले तो का देखा, बोले कलयुग के जब मावा परन कैसे रही, जो माई बाबू रही है कैसे रही है, तो बताए। अरे माते पिता बालक न पढ़ावे, अरे उधर भरे सोई वृत्ति सिखावे, कलयुग जो माई बाप रही सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी अपने बच्चन के, संस्कार नहीं पढ़ेंगे, तो लेके जब संस्कार ना पड़े तब क्या करे, पढ़ी के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, होटल में मद पान करेंगे, ज्यादा पढ़ लिख लिए तब क्या शराब पिए शुरू कर देंगे, बोले और संस्कार विरोध हो जाएगी एकदम, बोले और क्या देखे, बोले लड़का बच्चा कलयुग में क्या हाल रहे तो बताएं। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, जब तक बेटवा का शादी ना हो बेटवा आप कब बटे, जब दिन जे दिन से मंतोरा का मुंह देख रही है उस दिन ससुराल वाले के हो जाए, तब बोले और का देख, बोले महात्मा लोगन का क्या हाल रहे बताए, जाकर नकसी के जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाल, जेकर नाखून डाले बड़े बड़े हुई है, भले नजर न उतरे लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध रही है, अपने आप के लिखिए श्री 1008 परम पूजनीय परम आदरणीय है, कलयुग में आप देखे कि मिले आपके, बोले और ले अगर इंसान इंसान से जुड़े तो कुछ स्वार्थ होए, बिना स्वार्थ के क्योंकि उसे जुड़े ना है कहा भी के बटे, अरे स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, स्वार्थ लाई करे स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही करनीति, सुर नर मुनि सब ही करनीति, व्यक्ति से जुड़े तो स्वार्थ रहे कुछ में, तब कोनो पूजा कोनो पाठ बताओ तो भगवान कहे तो उस नयान में विप्रे ब्राह्मण है ऋषि मुनि आपके प्रेम को दूसरों के लिए देखकर, नारद जी अपने बदी ना पूछे थे संसार के लिए पूछे, संसार के जनहित की बात करें, यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो भगवान उसका भला बाद में करते, लेकिन जो संसार के बारे में सोचता है भगवान उसका भला पहले करते, गीता में कहा गया सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवे, तब परोपकार की भावना से नारद जी पूछे भगवान ने पूजा बताओ का नाम का, सत्य नारायण व्रत और का बटे माई कथा, आप 20 मिनट हम कर 20 मिनट आप करिए, यह करिए 20 मिनट आप जल्द से जल्द खत्म करिए, चिंता मत करें, का नाम बाकर सत्य नारायण व्रत और कथा, भगवान कहे प्राप्त करेंगे चार रास्ता बाटे, हम तक पहुँचे बदे चार सीढ़ी बाटे, पहला सीढ़ी का बटे सत्य बोला शुरू करिए हम आपके मिल जाए, एक कलयुग में सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, बोले तब एक काम करो मेरे नाम का जप करिए, बोले प्रभु जपो ना हो पाए, के जप करे 24 घंटा, बोले तब एक काम कीजिए व्रत रखिए, बोले प्रभु व्रत ना हो पाए, सवेरे से लेकर शाम में बीच में अगर चक्कर वक्कर आएगा तब हॉस्पिटल जाए पड़े, बोले व्रत ना, बोले तो काम कर कथा सुना, बोले प्रभु कथा थोड़ बहुत हो सकते, बोले काहे बदे कथा हमारे संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं,
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जिसे शरण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की लता, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय श्याम कथा, हो जय श्री श्याम कथा, ओ जय जय राम कथा, हो जय श्री श्याम कथा। अरे प्रभु कथा हो सकता है कलयुग में? बोले कथा हो सकता है। बोले कथा मतलब क्या? जो आपकी थकान को दूर कर दे। कौन सी थकान? जो नकारात्मक थकान है, मोह माया की जो थकान है उसे दूर कर दे। कौन है वो? कथा। जो भगवान से मिला दे वो कथा, जो भगवान से जोड़ दे वो कथा, जो भगवान से प्रेम करने को मजबूर कर दे वो कथा, जो भगवान भक्त का एक कर दे वो कथा। बोले कथा सुनी जा सकती है। बोले तब कब करना चाहिए? किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम्। इसको करने से कुछ फायदा वायदा होगा? भगवान से पूछने वाले नारद जी, तो भगवान कहे नारद जी तुम फायदे की बात करते हो, तुम तो संत महात्मा हो। बोले प्रभु मुझे मृत्यु लोगों की हवा लग गई है। यहाँ पहले व्यक्ति पूछता है फायदा क्या हो, घर दुआर लेकर कुछ फायदा वायदा होए, पूजा करने को फायदा होए। बोले प्रभु मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, संसार के लिए पूछ रहा हूँ, संसार लोगों का भला कैसे हो। भगवान ने कहा इस पूजा करने से सात प्रकार के फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है? दुख शोकादि सनम, जीवन से दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। दुख मतलब जो शरीर के अंदर बीमारियां होती है कम होगा, खत्म नहीं हो जाएगा कम होगा। बोले और शोक मतलब क्या होता है? परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी, मतलब घट हाथ त्रिकट के मर गए लेकिन मृत्यु बाटे नहीं, तब समय के हिसाब से जाएंगे 60-70-80 अवस्था जो चल रही है उसको जीवन व्यतीत करते हुए जाएंगे। बोले और भगवत कृपा से और धन धान्य की वृद्धि होगी। धन मतलब रुपया पैसा सोना चांदी बढ़े, और धान मतलब अनाज बढ़े जीवन। बोले और बहन बेटियां सौभाग्यवती और संतानवती। बोले और सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह आपका नाम लहराए झंडा। भैया पाड़े जी अरे आओ भैया आओ, अरे सम्मान मिले आप। बोले और कब करे चाहिए? बोले अस्मिन तस्मिन दिने, जब मन में भाव आ जाए ना पूजा कर लीजिए, क्योंकि कहा गया कल का भरोसा नहीं। हमारे संत महात्मा कहते क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ओ मन में इतने अच्छे काल व माई कई ले जीवन में, का पता है काल रहे न रहे। तन जो बाटे आज मिला बाटे, काल मिले न मिले, काल सही रहे कि न रहे पता ना। इसलिए कहा गया संत महात्मा कहते का कहे, अरे भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। विधि का बाटे, बोले भगवान के केले के मंडप में लिखावा, भगवान के दूध दही घी सर से स्नान करावा। बोले भगवान के भोग लगा, बोले भोग में का लगाई? बोले जौन खात हुए खिलाया, कर्जा लेके भगवान के मत खिलाया। भगवान कहते हमका तो एक रुपया बंगला गाड़ी सौर से कौन मतलब ना है बाटे, मतलब का बाटे तोरे अंदर प्रेम कितना बाटे हमारे बदले, के जोन चढ़ावल बाटे प्रेम से बाटे की अप्रेम से बाटे।
तब भगवान से क्यों कहे चाहे का अरे तेरा तुझको स्वामी प्यारा प्रभु आपकी वस्तु आपको दे रहा, मेरा कुछ नहीं, घर द्वार परिवार सब आपका ही तो है। मैं जब पैदा हुआ तो खाली हाथ आया, तो जाऊंगा भी तो खाली हाथे जाऊंगा, तब अपने परिवार के साथ बैठ के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोले और बोले कुछ विशेष मुहूर्त हो, बोले संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, तो पूजन करने का अधिक लाभ बताया गया है। मनोकामना की पूर्ति कहीं करनी है तो सत्यनारायण कथा करना शुरू कर दीजिए। जल्द से जल्द भगवान कहते आपकी मनोकामना में पूर्ण करूंगा। बोले और कोई विशेष कुछ समय कुछ विधा बोले शाम के समय यदि कथा को सुना जाए तो उसका फल अधिक बताया गया है। यदि मंदिर में सुना जाए तो अधिक फल बताइए, तीर्थ में सुना जाए इस कथा को तो उसका फल अनंत गुना बताया गया है। बोले और अपने परिवार के साथ बैठ कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो हमारे नारद जी ने पूछा तो वो किसने कथा को किया भी है, बोले इसको अगले अध्याय में बताएंगे। श्री स्कंद पुराणे देवा सत्यनारायण कथायाम अरे प्रथमो अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की। बोले सावरे सरकार की जय। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि बोल 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 हरि बोल, हे अजि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि बोल 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 हरि बोल। सत्यनारायण भगवान की जय। हमारे संत महात्मा सब ऋषियों ने पूछा प्रभु पहली कथा किसने किसका नाम बताई, करते क्या, उनका नाम क्या है, पता क्या है। तो नाम आता हमारे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में एक नगरी है काशी नगरी, उसमें गरीब ब्राह्मण रहते, उनका नाम है सतानंद। जीवन का 60 वर्ष बीत चुका है फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। और सत्य नारायण कथा की पहली सीढ़ी है सत्य तब नारायण, भगवान तक पहुंचा तो जीवन में सत्य बोलना शुरू कीजिए। और कलयुग में सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, कहा भी गए सत्य ने दूसर धर्म समाना, कलयुग में सत्य के समान उसका कोई धर्म नहीं है। बोले तब पंडित जी जीवन में झूठ नहीं बोले थे, झूठ ना बोले वैसे परेशान थे, लेकिन पराजित नहीं थे परेशान थे। बोले तब एक दिन के बाद मन में ग्लानी, प्रभु जीवन का 60 वर्ष बीत चुका, आज तक अच्छे दिन देखने को नहीं मिले, महीने में 2 एकादशी होती है आप सब जानते, लेकिन उनके जीवन में 15-20 दिन एकादशी रहती थी, कैसे कुछ मिलता ही नहीं था, तुलसी पत्ता पानी पी के सो जाते थे। तो प्रभु तेरी बड़ी कृपा आज एकादशी करवा दी, भगवान से उलाहना नहीं दिया, बस इतना कहा प्रभु जैसे रख रहे हो ना वैसे ही रहूंगा,
और एक बात उन्होंने कहा क्या, अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूंगा। अरे भगवान के रूप उलाहना नहीं दिया प्रभु, जीवन के बुराई है ऐसे तो मुसीबत है भगवान के तुरंत कोस लगते हम सभी ना, प्रभु आपके करवावत है, इतना पूजा पाठ किए 16 सोमवार रखे एको बार मनोकामना पूरा ना है भर, लेकिन ब्राह्मण ने 60 वर्ष बीत चुका है कोई भगवान से उलाहना नहीं दिया, प्रभु आपकी वजह से ऐसा, बोले प्रभु आपकी कृपा है आज एकादशी करवा दी, ऐसी भावना के साथ एक दिन की बात है ग्लानी हुई मन में, जब ग्लानी जीवन में आती है तो भगवान को आना पड़ता है। जब जीवन में चाची माई ग्लानी हुए ना तो भगवान को आना पड़ता है, जब द्रौपदी को ग्लानी हुई भगवान आए कि नहीं आए, आए ना, बोले भगवान से द्रौपदी ने भगवान से कहा प्रभु कौनो गलती ना रहा हमार, जब रस्ते में खींच के लेके आएगा सभा में कहा गलती रहा हमारा बता, गलती तक पति हम के रहा बीचे में हमका परेशान कह दी हम, कहा कहीं द्रौपदी का, अरे बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। ब्राह्मण क्या प्रभु ग्लानी भगवान को वहां पर आना पर ब्राह्मण बन के भगवान पूछते पंडित जी क्या करते हो, तो वो भिक्षा मांग लेता हूँ, बोले जीवन बीत जाता है भिक्षा तो नहीं लेकिन गुजारा कर रहा हूँ, बोले तब एक पूजा बताओ करोगे, बोले औकात नहीं करने के लिए कहा सुन तो लो, तो ठीक है बता दीजिए घर पे गए पंडिताइन को बताए मैं पूजवा कैसे कर पाएंगे, भगवान ने औकात नहीं दी करने की, बोले तब सवेरे उठे संकल्प के कि आज के दिन जजमान का जो भी माकनी जांचने से मिले तो भगवान का पूजन करूंगा, भगवत कृपा से कुछ ही घर पे गए भगवत की ऐसी कृपा हो गई दुश्मन भी दोस्त बन गया, जो न देने वाला व्यक्ति भी आज 1,000-1,500-2,000 रुपया दे रहा है, अच्छा अनाज दे रहा है, कौन दिलवा रहा है भगवान दिलवा रहा है, कहा भी गया जापर कृपा राम कर होई तापर कृपा करे सब कोई, जब भगवान कृपा करते तो संसार वाले अपने आप कृपा करने लग जाते, ब्राह्मण घर पे आए ब्राह्मण को बुला के भगवान का पूजन किया, पूजन के प्रभाव से जीवन बदलने लगा, कुछ ही वर्षों में जजमानी बढ़ गई, अपने क्षेत्र में सबसे धनवान व्यक्ति गिने जाने लगे, तो ऋषियों मुनियों ने पूछा प्रभु और किसे भगवान ने पूजन किया है, बोले इसको बताते हैं सुन लीजिए पहले क्या, जब पंडित जी भीख मांगा करते थे उनके मित्र हुआ करते थे लकड़हार लकड़ी बेचा करते थे जंगल जंगल जा करके घर घर जा करके, बोले तब एक दिन लकड़हारे के मन में भया पंडित जी देखात ना है बहुत दिनों से, बोले तब एक काम चलो उनके घर ही जाया जाए, हर व्यक्ति के मन में हो चला आज उनसे मिल लिया जाए ना हो किरा है मन, तब बोले आज पंडित जी से मिला जाए, जब पंडित जी घरे पहुंचे आज उनका घर ना है बाटे और बंगला खड़ा बाटे, मजाक मत कर पंडित जी के हम जाना थे उनका धोती 8 जगह से फटी हुआ करत रहा, गरीब रहे गरीब को मजाक मत उड़ाओ साहब, मेरे भाई सर बताओ जब पंडित जी के घर बाटे गए उस दिन भगवान ने पंडित जी पूजन करते, पूजन खत्म और प्रसाद लेके क्या पंडित जी प्रसाद दिए लकड़ा, बोले पंडित जी पहचाना था यार, पंडित जी मना कह दिए, बोले भैया परिचय बताओ, लकड़ा बोले भैया आपके गलती ना है बाटे, रुपया पैसा आए के बाद लोग पीछे वाले भूल जाते हैं, ये बार जब माल पानी आवत ना लोग बोलते रहे हमारे लेवल का ना है बाटे, हमारे औकात का ना है बाटे, ऐसे बात ना करब हम एक देख के लोग नजर छुपा लेते हैं, तब बोले परिचय बताओ, बोले पंडित जी आप वही पंडित जी कभी एक टाइम था जो पर पट्टी में रहा करते थे, आपकी धोती 8 जगह से फटी हो गई तो भीख मांगा करते थे, जब पुरानी बात याद दिलाई याद आया कि पंडित जी मैं आपका वही मित्र लकड़हारा, जब बात याद आई
तो मित्र से क्षमा मांगे पंडित, बोले कैसे चमत्कार हुई, बोले भगवान की कृपा हो गई, भगवान श्याम सुंदर की कृपा हो गई। इनके ऊपर जब कृपा करते ना, संसार वाले अपने आप कृपा करने लग जाती है। हमारे संत महात्मा कहते क्या भगवान से एक बात कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, प्रभु ये जो घर द्वार सब है सब आपका है, मैं तो माध्यम हूँ, करारे वाले तो आप हो, आप यदि कृपा न होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता ना। भगवान से कहना चाहिए क्या, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पंडित जी ने लकड़ा, बोले भगवान की सब कृपा है, मैं तो उसके माध्यम हूँ जीवन का। जब मैं पैदा हुआ तो मैं चलना भी नहीं आता था, चलना किसी और ने सिखाया। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे को बोलना भी नहीं आता था, बोलना भी किसी और ने सिखाया। और जब संसार से जाऊँगा भी ना, पैदल नहीं जाऊँगा, किसी के कंधे पे जाऊंगा ना। बोले तो मैं तो माध्यम चल रहा है, जीवन चल रहा, गुजारा कर रहा हूँ। और इसी जीवन 60-70-80 वर्ष में लोग माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या माया, मयर मोर तोर तई माया, मेरा बेटवा मेरी बिटिया, मेरा घर मेरा द्वार मेरा बंगला मेरा गाड़ी। भगवान कहते जहाँ मैं वहां से मैं भाग जाता हूँ। कहा गया यहाँ राम रहेंगे या काम रहेंगे, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम, तुलसी कब हो कि रह सके रवि रजनी एक ठाव। चंद्रमा भी हो सूरज भी साथ में, पॉसिबल है, संभव है, नहीं संभव। उसी प्रकार जीवन में या राम रहेंगे या वासना रहेगी, या माया रहेगी या मायापति रहेंगे। बोले तब लकड़ा पूछे पुजवा हम हो कह सकती का, बोले भगवान सबकर है ना, पूजा क्यों भी कैसे कर। बोले तब एक काम पूजा की विधि बताई, इधर लकड़हारा सोचे सोचे जाल बाटे पूजवा कैसे कई पाई, लकड़ी बेचे से घर ना चे तो पूजवा कैसे कर पाई। बोले तब जब कोई कार्य जो भगवान आपका भला चाहते हैं तो भगवान रास्ता बदल देते हैं। तो क्या कि उस दिन रास्ता भटक के कहाँ पहुँच गया, धनी नाम संस्कृत, जहाँ धनी लोग रहते थे, जहाँ पैसे वाले लोग रहते थे। बोले लकड़ा इधर, बोले कैसे लकड़ी लिया, बोले 10 पैसे काम करे 1 रुपया ले, डेली छोड़ के जाया थे। भगवत कृपा से अच्छा आमदनी हुई, गया बाजार से लकड़ी लेकर के, भगवत कृपा से अगले दिन ब्राह्मण बुला के भगवान ने पूजन किया, पूजन के प्रभाव से बुद्धि परिवर्तित हुई, जंगल में जंगल का जंगल खरीदने लगा, व्यापारी बन गया। बोले तब तो दो लोगों ने भगवान ने पूजन किया, पूजन का प्रभाव आपने देखा। तो ऋषियों मुनियों ने पूछा प्रभु और किसी ने पूजन किया, बोले अगले अध्याय में बताएंगे, सिंहस्कंद पुराण भगवान की जय। पानी से पानी बोतल हो तो बोलिए सावरे सरकार की जय। अरे श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अजी श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे राघव तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, अजी दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, अरे शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे गोकुल में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे।
अरे मथुरा में पाया है अजी गोकुल में पाया है। अरे वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। अरे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। अरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत भगवान की जय। तो ऋषि मुनि ने सबने पूछा प्रभु अगला कथा किसने की, उसका नाम बताइए। तो नाम आता है राजा का नाम है उल्टा मुख। बड़े धर्मनिष्ठ प्रजा को संतान के समान मानते हैं। एक जीवन में कमी क्या, संतान ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा महीने में 2 से 4 बार किया करते हैं। एक दिन की बात है, पूजन कर रहे थे नदी के किनारे संतान के लिए, भगवत कृपा से नदी मारे से बनिया सामान लिए हुए जा रहा था। उसके मन में इच्छा लाजा कर क्या है जो देखा जाए, जाके पूछता है कि वो कुरसे राजा भक्त युति ने चेत सा, ये राजा कर क्या रहे हो आप। तो राजा ने अपनी आप बीती बता, भगवान ने सब कुछ दिया, एक संतान ने संतान प्राप्ति के लिए महीने में उतना पूजा किया करता हूँ, मतलब पूजवा करे संतान हो जाए, बनिया रहा बनिया गणित लगाओ बटे पूजवा करे हमारे संतान हो जाए। तो राजा ने कहा भगवान के यदि विश्वास कर बन कुल संभव बाटे, तब एक काम कर हम के बताए। बोले काहे बोले, बोले ममा पसंत नास्ती, आपको बिटिया है लेकिन तो बिटवा भी नहीं है, ये तो दोनों नहीं है। तब भगवत कृपा से पूजन की विधि सुन करके घर पे गया, अपनी पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। चौथा पंच चालू 60 साल की अवस्था चालू थी। बोले तब चलो काम करो, कल पूजा कर लेते ना सेठ जी, हमारी लोग ताना मारते बाज बाजिन कहते मुझे, मुझे बड़ा दुख होता है अंदर से, ग्लानी होती है। बोले तब एक सेठा ने सुना एक भगवान जो संतान नहीं चलो पूजवा तब किया जाए। बोले नहीं चलो काले पूजा कर लिया जाए। बोले तू हमेशा खर्चा की बात, पैसे बचाओ सीखा। सेठानी कहते बोले क्या करो पैसों बचाई के। बोले सेठ बोले अगर पैसा बचा रहे ना सब पूछे, अजय रुआ में जब पैसा रहत ना वहाँ चाची हर के पूछत कहा बटे। अरे सुखवा में सब के हुआ पन, अरे दुखवा बटावे वाला के बा। सुखवा में सब के हुआ पन, दुखवा बटावे वाला के बा। भाई जब सुख सुविधा तो सब पूछत, तो गिरानी आ जाना तो भवे परिवार वही लोग नजर छुपा लेते हैं आपसे। बोले तब बोले काम कर, जब भगवान सेठानी संतान दिए चलो तब पूजा किया जाए। सेठानी शांत हो गई। बोले तब भगवत कृपा से 9वें महीने कन्या की प्राप्ति, कन्या का नाम रखा कलावती। सेठानी फिर से याद हुआ चलो पूजवा कह लिया, जब भगवान हमारा मनोरथ पूरा कर दिए हमें संतान चाह, चलो बेटवा भले बिटिया तो दिए कम से कम। बोले तब चलो पूजवा कह लिया जाए। तो सेठ बोले कि बड्डे बड़ा खर्चा कह दिए, बड़ा सठौरा अठौरा सोहर ओहर गवाई दिए। बोले तब चले कि बिहार में पूजा करें। सेठानी फिर से शांत हो गई। भगवत कृपा से लगा व्यापार करें। 10 साल बाद लौटा, देखा कि बिटिया 10 साल की हो चुकी है, अच्छा घर देखे अच्छा बर देखे बिहार कह दिए, लेकिन पूजा ना की है। भगवान के बड़ा बुरा लगा, छोटा सा जीव जान मुझे छा बाटो तो याद बाटे कि पूजा में करेंगे बाटे, लेकिन सोचे तो टाल दे के पैसा बचाए, कहीं पैसा रहे तो लगा था पैसा में तो सब कुछ दिमाग कहीं से विचारधारा। बोले तब सोचे कुछ दमाद के तरीके से कमाए कैसे जाए, दमाद के लेके चला गया व्यापार करे। कहाँ पहुंचा, रत्न सार पुना का शहर बाटू वहां पहुंचा, अपने नाव के बांध के आराम करे लागे। भगवान मौका अच्छा देखे, उस राजा के यहाँ दो चोर बने, एक बनिया और एक दामाद। बोले तब भगवान धन चुराई करके हुए भेष में भागे लागे, सिपाही पुलिस दौड़ाए ली है। तब भगवान के भला के पकड़ पाए, भगवत कृपा से भगवान धन रख के बनिया दामाद जहाँ सोवा रहे वहां से भगवान गायब हो गए। थोड़े समय बाद सिपाही ढूंढे पहुंच गए। बोले बाबा उठा। बोले तो कल राजा बोले कहा है, बोले चला पहले राजा कुछ ना। बोले महादेव के कारागार विचार थे, इनका जेल में डाल दे चोरी किए हैं, सोचे चोरी ना किए हैं फिर भी चोरी का आरोप लगे। जीवन में समय खराब होता चाचा ना, बिना मतलब का आरोप लग जाता है, अभ्यास मिल जाता है, ना चाहते हुए भी मिल जाता है। तब सेठ और दामाद दोनों जेल चले गए, भगवान के घर पे भी चोरी कर गए, माई बिटिया अनाज को परेशान हो गई,
आजू बाजू में सपोर्ट ले कितना दिना एक दिना बिटिया के मने वह इच्छा बोले काम कर माई हरी तार ससुराल बांटे बोले तब एक काम कर मेरा ये मायका बोले तो क्या करोगी बोले भीख मांगूंगी। सोचो सेठानी भगवान के पास धन धान सब कुछ था, भगवान से आप बुरा करके आप रह पाओगे क्या संसार में? भगवान के विरोध करने वाले व्यक्ति संसार में रह नहीं पाए। राखी को सके राम करे द्रोही, भगवान का द्रोह करके आप जिंदा रह सको संसार में पॉसिबल नहीं है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि चावल पे दीजे जाते, सिवरी के बैर पे दीजे जाते हैं ना, इतना कोमल इतने दयालु हैं और इतने कठोर हैं कि मतलब कछुआ बन जाते हैं, इतने कठोर है कछुआ के ऊपर का लिखा पोर्शन इतना कठोर बटे मार टूटे ना, इतना कठोर बन जाते हैं। तब भगवत कृपा से भगवान के घर भी चोरी करके बिटिया बोले एक काम कर माई हम भीख मांगब। एक दिन भीख मांगे चली गई, बड़ी दूर निकल गए, भीख मांग के आवत रही भी कुछ मिला ना, कहीं पर शंख की आवाज़ सुनाई गई, सोचे कि प्रसादे ले ली। तो भगवान का पूजन होता रहा, पूजन शाम के समय शुरू भर रात ही खत्म भर, प्रसाद लेकर के जब घरे आए माई बाहर बैठ के रोवत रही। जो बिटिया बोले बिटिया कहीं गलत जगह तक जिंदा गए पैसा कमाए बदे, बोले बाबू का बड़ा नाम गाम ना समाज में, बोले ना ही माई ना गलत है ही ना गलत जगह के फलाने गए पंडित जी क्या सब कर भगवान ने पूछे। पंजीरी माई देखे अखिया से आंसू चल पड़ा, बोले बिटिया तार पप्पा ही भाई से प्रसाद लेके आए रहे, बोले मनता माने रहे कहो पूजा पाठ करब जब संतान हो जाए, तब संतान हो तहत ब्याह हो गए पूजवा ना आए बोले तब काम कर लागो उन्हीं की कृपा बाटे उन्हीं का अपराध का फल मिलने बांटे में तब क्या किया जाए। तो संकल्प कर प्रभु मेरे परिवार को पुनः मिला दीजिए, आपका पूजन अर्चन में करूंगे। भगवत कृपा से भगवान उस देश के राजा को सपना दिए कि राजा दोनों बनिया को छोड़ बने थे राज पाठ को नष्ट कर दूंगा। तब राजा सपने वाली बात मंत्रियों को बताया, मंत्रियों ने सलाह दिया छोड़ दीजिए सरकार। बोले कहा है बोले बोले राम जी के दूत हनुमान ने सपने में लंका जलाए थे। कहा भी है अरे सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, हनुमान जी ने सपने में लंका जलाया था, त्रिजटा ने बताया था माँ सीता को। तब भगवत कृपा से राजा ने छोड़ दिया, भगवत कृपा बाल बाल कटवा के छोड़ दिया। ऋषियों मुनियों ने सब ने पूछा क्या बनिया दामाद घर पहुंचे, बोले घर नहीं पहुंचे। बोले तब बोले इसको अगले अध्याय बताऊंगा, श्री स्कंद पुराण सतरण तृतीय दल सतरण भगवान की। बोले सावरे सरकार की जय, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गए वन गाने दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए वन गाने दुनिया क्या जाने। भगवान की जय। भगवान ने नारद जी ने पूछा प्रभु बनिया घर पहुंचा, बोले घर नहीं पहुंचा मैं उसके पास पहुंचा। बोले काहे बदे सुनाओ जेल जाने वाले लोग सुधर जाते, तो सुधार हुआ बोले को देखता हूँ चलो जाने तो पहले। भगवत कृपा से भगवान ब्राह्मण बन करके उसके बनिया के पास पहुंचते, बनिया वाला पंडित जी प्रणाम भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो खुश रहो। बोले पंडित जी दक्षिणा चाहिए आपको, दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले काम करो 1000-2000 गैया ले लो, बोले गैया भी नहीं चाहिए। बोले काम करो आप मंदिर ले लो आश्रम बना के राज करो, बोले वो भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बोले बस इतना जानना है आपकी नौका में क्या रखा है। बनिया का दिमाग सटक गया, न रुपया चाहिए न गौशाला मांग रहे, सीधा खजाने की बात कर रहे, लगता कुछ सेटिंग है इनकी, आगे जाके लूट लेंगे मेरा धन सारा, इतने मेहनत से मैं कमाता हूँ ये आके लूट लेंगे सेटिंग करके। तब झूठ बोल गया, बोला मेरी नौका में लता पत्र भरा है, लता पत्र मतलब किराने की सामग्री, हींग हरदी गरम मसाला जीरा जवाइन काली मिर्च सब गिना ले गया। भगवान के झूठ बोल रहे हो,
बोले साहब सत्य कह रहा हूँ, बोले झूठ बोल रहे हो, बोले सत्य कह रहा हूँ। तीन बार सत्य असत्य का आदान और प्रदान भगवान ने कमंडल से जल निकल, सत्यम भवत्ते वच, आप जो कह रहे हो आपकी बात सच हो जाए। बनिया के लिए आज तो बहुत बाबा घूमत है, बोले तब ले जाइए, कोई बात नहीं आप जाइए भगवत कृपा से। थोड़े समय बाद भगवान तो चले, एक मंदिर था वहाँ पर बैठ गए। भगवान को पता था कि वापस भाग के तो आना ही है इसको, इंसान पैसे के लिए बहुत कुछ करता है ना। बोले तब भगवत कृपा से थोड़े समय बाद जब नजर गई नौका पे, तल पतरी हटा के देखा तो केलवा के जैसे हल्दी की गांठ हो गई, चक्कर आके गिर पड़ा। दामदवा कुल देखा तो रहा, बोले बाबा आप दूसरे बाबा से झूठ बोले, वो बाबा छोटे मोटे नहीं थे। बोले तब एक काम को ढूंढिए उनको, अगर वापस पैसा चाहिए तो। बोले तब भगवान गए पूरब, चला गए पश्चिम, काकरे भेंट हो, ढूंढत ढूंढत भगवान के पास पहुंचे। भगवान हमें शरणागत हो गई, भगवान से कहे इसका, अरे भरा भंडार बाबा का ये खाली हो नहीं सकता, पुजारी भक्त बाबा का भिखारी हो नहीं सकता। ए प्रभु लौटा दीजिए मेरा पैसा रुपया। आप भगवान ने कहा हम का किए बताओ, झोलवा चेक कर ले। बोले आपने झोले में नहीं रखा है। बोले तब आपने कुछ कहा, कहने मात्र से पूरी कहानी मिल गई। भगवान के कहना चलना मुस्कुराना ठठलना सब अलग है दुनिया से। उनका चलना लोगों को भा जाता है, उनका मुस्कुराना लोगों को भा जाता है। एक एक बंसी बजाने के लिए सब गोपिका पागल हुआ जाती हैं। सोचिए राधा उनकी बंसी धुन के लिए पागल हुई जाती हैं। वो कन्हैया उसका चलना मुस्कुराना, संत महात्मा कहते क्या, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो वृंदावन टेड़ो गोकुल तेरो टेड़ो, वृंदावन टेड़ो गोकुल तेरो टेड़ो, अरे टेड़ो रे तेरी बास की बसुरिया, टेड़ो रे तेरी बास की बसुरिया, तू बसुरिया। भगवान कहते हैं जो टेढ़े होते उनके मैं टेढ़ा बन जाता हूँ, लेकिन जो सीधे होते उनके इतना सीधा बन जाता हूँ कि भृगु ने लात मार देते हैं भगवान के छाती पे। इतने भगवान टेढ़े हो जाते हैं और इतने सीधे बन जाते हैं। तब तो बनिया से पूछा भगवान के करे, बोले परिवार बदे, बोले केहू साथे जाए, बोले केहू के ना तो हमारे साथे कैसे जाए। बोले तब भगवान समझाए का, अरे शरीरिया राउर, अरे माटी का मकान बनल बा, शरीरिया राउर माटी का मकान बनल बा, शरीरिया राउर माटी का मकान बनल बा, शरीरिया राउर माटी का मकान बनल बा। जैसन करब करम कमाई तोहरे भगवान भगवान आए, जैसन करब करम कमाई तोहरे आगे आगे आए, ऐसा करो तो पैसा भरो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। देखो बनिया कष्ट क्यों पा रहा है, भगवान से सर कर, भगवान ने समझाया, गलती को दिमाग में बिठाया, भगवान से बोला प्रभु क्या, प्रभु अब जीवन का सारा जिम्मेदारी सब आपको सौंप रहा हूँ, प्रभु अब इस संसार में सब कुछ हार गया और आपसे एक निवेदन है क्या, अरे आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। अरे प्रभु संसार के सारे रिश्ते मैंने अपना लिए, देख लिए, सबको समझ लिया, तब एक चीज समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, अरे मीत जान जिसको अपनाया, मीत जान
ज्ञान जिसे को अपनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया, अरे मीत जान जिसे को अपनाया, मीत जान जिसे को अपनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया। क्या हुआ तब भाई, तब क्या हुआ? अब तन के गोरे, तन के गोरे पर है मन के काले, वो सखा है सब दगा देने वाले, अब तन के गोरे पर है मन के काले, जरा ले लो, जरा ले लो खबर मुरली वाले, सका है सब दगा देने वाले, जरा ले लो खबर मुरली वाले, बनिया बोला भगवान क्षमा कीजिए, मैं घर के जा रहा, आपको देना तो दीजिए। भगवत कृपा से वो घर के पास जब अपने नाव के पास पहुंचा, भगवान धन लौटा दिए। भगवान किसे कर्जा कभी रखते नहीं इंसान, या भगवान को एक रुपया तो भगवान आपको 1000 रुपया लौटा दे, उनका वो कर्म ही है। हाँ। भगवान देना जानते, लेना तो हम जानते हैं, किसी को देंगे तो 100 बार सुनाते, हमारा काम ये है। भगवान को इतना सारा सही, हमको इतना धन रुपया दिया, फिर बोले नहीं आज तक। तब भगवान धन लौटा दिया, बनिया अपने घर के पास पहुंचा, दूत को संदेशा दिया, जाओ बोल दीजिए मैं आ चुका हूँ। उस दिन भगवत कृपा से बिटिया माँ भगवान का पूजन कर रहे थे, पूजन जब जैसे सुना माने कि इनके पिता पति देव आ गए हैं, बोले पंडित जी आप बिटिया को कथा सुनाइए, मैं आती हूँ पति का दर्शन करें। भगवत कृपा से चलिए पति का दर्शन करें, बिटिया के मन में भी इच्छा जागरी, बोले पंडित जी तो फटाफट कर दीजिए, मेरे को अपने पति से मिलना है। भगवत कृपा हवन आरती हुआ, पंडित जी ने प्रसाद दिया, बिटिया बोले पंडित जी प्रसाद बाद में दीजिए, बोले पति का दर्शन करूँगी। चली गई पति का दर्शन करने, भगवान को बड़ा बुरा लगा, ये छोटी सी आत्मा, छोटा सा जीव, जो कि पति इस जन्म में अगले जन्म में रहेगा कि नहीं पता नहीं, पति पते समझ लो भले कहे 7 जन्म तो रहता है, लेकिन कहने के लिए होता है साहब, वो हमको क्या पता कल हम क्या रहेंगे, कल हम क्या रहेंगे। बोले तब भगवत कृपा से भगवान से दंड देता हूँ उसको, उसे पति को नौका से जल में डुबो दिया, लड़की रोने लगी, भगवान की आकाशवाणी के मुड़े लड़के, भगवान पूजन अर्चन बनने सब कुछ किया, जा प्रसाद खा करके तुझे पति पुनः प्राप्त हो गए, प्रसाद खा करके आई, उसके पति पुनः प्राप्त हुआ। ये तब भगवत कृपा से सब लोगों ने जयकारा किया, भगवान का जयकारा करते हुए सत्यनारायण भगवान की जय। सब ऋषियों ने पूछा और किसी कथा सुन लिया, उसको अगले अध्याय बताएं, श्री स्कंद पुराण सत्यनारायण चतुर्थी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दीजिए अंतिम कथा, सावरे सरकार की, बोले सावरे सरकार की जय। अरे श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम सारी सरकार की जय। सब ऋषियों संत महात्मा पूछो प्रभु अंतिम कथा किसने किसने नाम बताइए, वो कौन है महात्मा, कौन है वो संत, संत महात्मा नहीं वो राजा जी है, तो नाम क्या है, वे तुंगध्वज ध्वज अपनी प्रजा को संतान के समान मानते हैं, कमी क्या क्या कमी है, शिकार खेलने के शौकीन, जंगल में जाते हैं चीता को मार के वीरता प्रदर्शन करते हैं, जंगली सुअर को मार के बोले तब भगवत कृपा से एक दिन की बात है शिकार करने जंगल में गए, शिकार कुछ मिला ही नहीं, जीवन में शिकार उस दिन शिकार कुछ मिला ही नहीं, बोले भगवत कृपा से बोले भगवत कृपा से उन्हें शिकार कुछ मिला ना भाई, तब तय काकी है घोड़ा के बांध करके आराम के लिए थोड़ी दूर पर छोटी जात कोल मिल आदिवासी लोग भगवान का पूजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवान के पूजा पाठ और भजन सुंदर कांड करे चाहिए ऐसे नियम बाटे, बोले तब भजन कीर्तन कर रहे थे तब का भगवत कृपा से पूजा समाप्त हुआ, प्रसाद लेके राजा के पास जो छोटी जात वाले सब आए, तो राजा के मन में अहंकार जा गए छोटी जात के लोग उनके हाथ से प्रसाद नहीं, तो मन न चला ठीक आपका मन ना भर ठीक है प्रणाम तो कही भगवान के प्रणाम कही लिया, अच्छा प्रसाद भूत का प्रसाद मतलब प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन किसका, भगवान का, भगवान का दर्शन होता है उसमें, जैसे हम ब्राह्मण हाँ तो पूजा की होगी घर बहुत हाँ सभी अब पूजा सुना था सब में आ गए थोड़ा हाँ तो जो सबसे ही होता हमारे दास उदास जो जात पासी हाँ ये लोगों ने प्रसाद खा लिया, इनका थोड़ी प्रसाद तो भगवान का है, हाँ तो प्रसाद तो भगवान का है ना, उनका थोड़ी ना बाटे कैसे अच्छा अच्छा जाने हम ब्राह्मण ठीक ठीक बटे, तो राजा ने प्रसाद के प्रणाम किए न लिए, भगवान के बड़ा बुरा लाग और भगवान के भक्तन के चिल्लाए दिए, बोले तब का भर भगवान के बुरा लाग के छोटी हमारा अपमान कर ठीक बात भक्तन का अपमान कर दिया बटे, राजा घरे गए उसके सामने को महल गिर पड़ा उसका हाथी बड़ा सब मृतक, बात जो गलती किया उसका एहसास हुआ जाके जंगल प्रसाद मान करके भगवान कहते आप मेरा अपमान करो चलेगा लेकिन मेरे भक्तों का अपमान मत करना क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, कहा गया भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तों में बस की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगवत कृपा से आप प्रसाद मान करके लिया अपने घर पे आप प्रसाद लेकर के जब का पुनः महल प्राप्ति पांच बजे भगवान का पूजा किया, पहली कथा भगवत कृपा से ब्राह्मण ने सुनी थी याद है, ब्राह्मण पूजा किए रहे और जो सुदामा बहन भगवत कृपा से भगवान उनका गोड़ धोए, सोचा घर वाले पर नारे होते भगवान आंसू से उनका गोड़ धोए और इतना धोए इतना रोए कि कहा जा रहा संत महात्मा कहने का अरे पानी पर आते को हाथे दियो नहीं नैनन के जल के पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, हमारे संत महात्मा की क्या कहते हैं अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया क्या रखा प्रभु तो गोड़ धोऊंगा पहले, शर्त क्या था अरे नाथ जाब कहाँ पहले बतावे पड़ी गुड़वा धोवाब कोड़ना, नाथ जाब कहाँ पहले बतावे पड़ी गुड़वा धोवाब कोड़ना, नाम आपन बताव गोत्र आप समझाव, नाम आपन बताव गोत्र आपन